दोस्तों YouTube का सबसे बड़ा अपडेट आ गया है शॉर्ट्स वालों के लिए, जो लोग सबसे ज्यादा शॉर्ट्स बनाते हैं। और ये क्या अपडेट है जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें जो मोनेटाइजेशन वाली पॉलिसी है ना, वो मेरे हिसाब से इन्होंने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी है। पैसे कमाना अगर आप चाहते हो YouTube पे, तो ये जो अपडेट है इसको जानना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों 15 अक्टूबर से अभी तक जितने भी लोग शॉर्ट्स बनाते थे, पहले आपने देखा होगा जब शॉर्ट्स रिलीज हुआ था हमें 15 सेकंड का टाइम मिलता था। इसके बाद धीरे धीरे करके इन्होंने भी इंस्टाग्राम की तरह उसको 1 मिनट का शॉर्ट बना दिया। और अब 15 अक्टूबर के बाद जितने भी शॉर्ट्स आप बनाएंगे, आपको YouTube मौका दे रहा है कि आप इसको अप टू 3 मिनट्स तक बना सकते हैं। अभी तक 15 अक्टूबर से पहले अगर आपने कोई भी वीडियो, कोई शॉर्ट वर्टिकल फॉर्मेट पे शूट करके अपने YouTube पे डाल रखी है, अनलिस्ट करके रखी हुई है, और वो 1 मिनट के ऊपर जा रही है, 1.5 मिनट की है, 1 point something सेकंड की भी है, उसको अब YouTube जो है शॉर्ट में कंसिडर कर देगा। और आपको ये जो मौका मिल रहा है 3 मिनट का बनाने का, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है क्रिएटर्स के लिए एक प्रॉब्लम वाला काम, क्योंकि आज की डेट में अगर आप अटेंशन की बात करो गाइस, बहुत ही कम हो गया रिटेंशन ऑडियंस का आपके फोन के साथ एक वीडियो को देखने के लिए। अब कोई लंबे वीडियो देखना नहीं चाहता। और सबसे बड़ी बात जो मुझे मोनेटाइजेशन को लेके हुई कि अभी तक जो आपका मोनेटाइजेशन की पॉलिसी है पुराने शॉर्ट्स को लेके, 60 सेकंड से कम वाले जितने भी शॉर्ट्स है वो सारी सेम रहने वाली है। लेकिन अब अगर आप मेहनत करके बड़े वीडियोस बनाएंगे, लंबे वीडियोस बनाएंगे 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट तक, तो यहां पे भी आपको जो है बड़े एड्स जो फुल वीडियो में आते हैं, हमारे प्रॉपर वर्टिकल 16:9 वाले वीडियोस में आते हैं, वो वाली एड्स आपके शॉर्ट्स पे नहीं चलेगी। तो वो जो पैसे आप वहां कमाते हैं वो यहां पे नहीं कमा पाएंगे, विच आई फील 3 मिनट की मेहनत करके कौन शॉर्ट बनाएगा भाई। और अगर आपको पैसे मिलने ही नहीं है, आप इतनी मेहनत क्यों करोगे लंबी वीडियो बनाने की। और कोई लोग आज की डेट में, सभी बंदे चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, वो फटाफट छोटे वीडियोस देखते हैं, उसको देख के खुश हो जाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि यूट्यूब ने ये वाला जो मोनेटाइजेशन की भी पॉलिसी है, या तो इसमें कुछ हो रहता कि भाई जो लंबे शॉर्ट्स बनाएगा उनको पैसे मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि एक्सप्लोर पे शॉर्ट्स जितनी हम देखते हैं, शॉर्ट्स यूट्यूब का एक्सप्लोर पेज है, वहां पे ये 1 मिनट से ऊपर वाली लंबी वाली जो वीडियोस हैं वो अभी नहीं आएंगी। थोड़ा टाइम लगेगा एक्सप्लोर सेक्शन पे आने पे, अभी वो छोटे वाले कम समय वाली शॉर्ट्स ही आएंगी। और कॉपीराइट को भी लेके इन्होंने एक और पंगा डाल दिया कि अगर आप जो पुरानी शॉर्ट्स बना रहे थे 60 सेकंड से नीचे वाली, वहां पे आप ऑडियो यूज कर रहे हैं, म्यूजिक यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां पे इतना कॉपीराइट का प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर आप 1 मिनट से ऊपर आप कोई शॉर्ट बना रहे हैं, अपना लॉन्ग वीडियो जो शॉर्ट फॉर्मेट में बना रहे हैं, यहां पे अब आपको YouTube के प्ले लाइब्रेरी जो है, इनकी जो ऑडियो लाइब्रेरी है, जो इनका कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है, वो ही यूज करना पड़ेगा, वरना आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, आपकी जो शॉर्ट है उसको ये बैन भी कर सकते हैं, आपके चैनल को डिलीट भी कर सकते हैं। इन चीजों को माइंड में रख के ही आपने ये जो नया अपडेट है इसको सोच समझ के आपने, वैसे आपको क्या लग रहा है कि ऐसा ये अपडेट अच्छा है बुरा है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।